प्रधान एक बंगाली फिल्म है जो आ रही है दिसंबर में, और उसी से पहले हम लोग शूट लोकेशंस पे पहुंच चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ है हम सब के प्यारे मिठाई रानी यानी सौमित्रिषा कुंडू। वेलकम टू सास बहू और बेटिया। सबसे पहले बता दें कि बहुत सुंदर दिख रही हो आप, और क्या कैरेक्टर है यहाँ पे, देव के ऑपोजिट हो। हाँ, इसलिए तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, पहले से ही थी जब मौका मिला काम करने के। और बात यह है कि बहुत कुछ तो बता नहीं सकती अभी तक, जितनी बता सकती हूँ वो है ये एक वेरी यू नो रिजर्व एक लड़की है, और न्यूली मैरिड है ये दोनों। और यही देखना है कि आफ्टर मैरिज एक लड़की का क्या होता है, सराउंडिंग्स के साथ कैसे मैच करती है वो, और जो हस्बैंड है उसके साथ कैसे रहना है, ये सभी देखना है। इतना ही बोलना चाहूँगी कि न्यूली मैरिड जो भी लड़कियाँ हैं वो बहुत रिलेट कर पाएंगी। वाह, फिर तो आप एग्जांपल बनती जाओगी, बन जाओगी। हाँ, मतलब कुछ ही दिनों वही तो बनना चाहती हूँ। Oh, बनती आ रही हूँ। That's great. और टेलीविजन से लेकर अब फिल्म, so, सफर कैसा रहा? बहुत ही अच्छा सफर रहा, क्योंकि जो मेरे दर्शकों हैं वो मुझे बहुत सारा प्यार देता जा रहा है, अभी भी प्यार दे रहा है, और उनके भी हायर एक्सपेक्टेशंस है इस जो मेरा जो चरित्र है रूमी प्रधान, वो लोग तो मतलब बहुत कोलाजेस बना रहे हैं, बहुत वीडियोस बना रहे हैं, जो भी मिल रहा है वो मतलब एक दो सेकंड के अंदर ही वायरल होता जा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि कितना कितना प्यार मिल रहा है मेरे को, और कितना आगे जाके प्यार मिलेगा। सो ये कौन से लुक है, मतलब आज कोई शादी है ऐसा कुछ है? मतलब इतना तो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ न्यूली मैरिड तो मैंने बता ही दिया है। हाँ अच्छा, न्यूली मैरिड के लिए ये लुक है मैडम, ये बन ठन के तैयार है। सो अभी देव के ऑपोजिट शूट किए, तो फिर कैसा रहा एग्जैक्टली शूटिंग? बहुत अच्छा रहा। जो वो एक सुपरस्टार है हम लोग देख चुके हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन वो कैसा इंसान है वो देखने को मिल रहा है। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। आफ्टर वॉकिंग 17 ईयर्स ही हैज़ नो एटीट्यूड एट ऑल, और इतना डाउन टू अर्थ है, उनसे काम उनसे ना बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी फनी, वेरी जॉली एंड वेरी कोऑपरेटिव, तो बहुत अच्छा लग रहा है काम। जैसे हम सबको पता है कि आप भी बहुत मस्ती खोर हो, सेट पे काफ़ी मस्ती करती हो, तो फिर यहाँ पे मतलब बहुत शांत बैठी हो, अभी इंटरव्यू भी दे रही, बहुत शांत स्वभाव के साथ बैठी हुई। सो मतलब कौन है सबसे ज्यादा? नहीं, ये बात यह है कि मैं ना थोड़ा सा मेथड में चली जाती हूँ। अच्छा। क्योंकि मिठाई जब थी वो थोड़ा चुलबुली थी। हाँ, चुलबुली हाइपर, तो मैं भी शायद वही बनती जा रही थी। अब जो रूमिया वो रिजर्व है, शांत लड़की है, तो मैं भी ऑफ स्क्रीन उसी तरह रहने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो रिफ्लेक्ट करे ऑन स्क्रीन। एंड अगर मस्ती के बारे में पूछो तो देवदा मुझसे भी ज़्यादा बचपना करता है सेट पे, तो मैं बस एंजॉय करती हूँ बैठ के। जो मैं करती थी मिठाई में वो इनसे देखने को मिल रहा है, तो मैं बस बैठ के एंजॉय करती हूँ कि क्या हो रहा है, देखे अच्छा क्या लिख पुल करता है ये सबका, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि मैं ही, हाँ मैं ही ये करती थी तब, लोगों को क्या लगता था, अब रियलाइज हो रहा है। अच्छा, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए जैसे आप बता रहे थे कि वेट गेन किए, तो क्या क्या मतलब खाने, मतलब ऐसा बोला गया था ये ही खाओ ये नहीं खाना? हाँ।
ये खाना होगा ज्यादातर, क्या मतलब क्या है? ओतनु सर एंड ओबिजिद्दा मुझे दोनों ही बोले थे कि थोड़ा सा वेट गेन करना चाहिए ये इस कैरेक्टर के लिए, तो बस मैं शुरू हो गई बस सब कुछ। हाँ, मिठाई सबसे ज्यादा क्या खा रही है, मतलब सबसे मिठाई खा रही है। सौमित्रिषा क्या मतलब क्या पसंद नहीं था लेकिन वो अभी शूटिंग के वजह से खाना पड़ रहा है? नहीं देखो, जो जो भी तरह के खाना होता है जो वेट गेन करवाता है वो सब ना अच्छा होता है, मतलब पेट के लिए नहीं, हेल्थ के लिए नहीं, लेकिन मुंह के लिए अच्छा होता है, स्वादिष्ट। तो मिठाई तो ऑलरेडी है और क्या है जिसको बोलते काफी तेल वेल डाल के मसालेदार। हाँ, एग रोल, चिकन रोल, लूची, पराठा, आलू पराठा, सब सब ऑन है। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग दिसंबर तक इंतजार कर ही लेंगे। हाँ। फिर हम लोग दिसंबर के बाद पता चलेगा फिल्म कैसी रही। और सास बहू और बेटी के दर्शक जो अभी आपको देख रहे पर्दे पर, प्लीज उनके लिए, सास बहू और बेटी और जो दर्शकों हैं उन सभी के लिए मेरे हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि मुझे आप लोग जैसे प्यार करते हैं वैसे ही प्यार करते रहिए। और मेरा जो सिनेमा आ रहा है दिसंबर में प्रधान, वो रिलीज़ हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 22 दिसंबर, तो हॉल पे जाके देखिए और मुझे प्यार करते रहिए। धन्यवाद, बेस्ट विशेस, बहुत बहुत तरक्की मिले। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट्स के लिए देखते रहिए सास बहू और बेटिया। कैमरा पर्सन श्याम के साथ अरुणव, सास बहू और बेटिया, कोलकाता से।